ये सब एक्सपेरिमेंट घर में ट्राई ना करें। दोस्तों वेलकम आवर यूट्यूब चैनल, आज हम आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं। ये मेरे पास है अनार, आपने दिवाली में छुटाया होगा, इंग्लिश में फ्लावर पॉट बोलते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आज इसी की गर्मी का हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये एक स्टेनलेस स्टील के बर्तन को इसको पिघला सकता है कि नहीं पिघला सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, स्टेनलेस स्टील को पिघलाने के लिए कम से कम 2500 से 3000 फ़ारेनहाइट का तापमान चाहिए होगा, जो अगर सेल्सियस में नापें तो कम से कम हो जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस पे स्टेनलेस स्टील पिघलती है। तो आपको क्या लगता है, ये अनार इसमें छेद कर पाएगा, पिघला पाएगा कि नहीं पिघला पाएगा? तो देखते हैं आरिफ, हाँ। क्या लगता है आपको, ये पिघला पाएगा कि नहीं पिघला पाएगा? देखते हैं सतीश भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखा दोस्तों आपने, एक अनार ने, एक फ्लावर पॉट ने क्या किया, इसके अंदर छेद कर दिया, स्टेनलेस स्टील के अंदर पूरा छेद कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना गर्म होता है। जैसे हम दिवाली में क्या होता है, मजाक में किसी को अनार फेंक देते हैं, किसी के ऊपर पटाखा फेंक देते हैं, तो कितना खतरनाक हो सकता है। जब ये स्टील में छेद कर सकता है तो सोचो किसी के ऊपर गिर गया तो उसकी हड्डियों तक में छेद कर सकता है। ये बहुत खतरनाक होता है, कभी भी घर पे आप ट्राई मत करना। ये तो सही में भाई बहुत छेद कर रहा है, देख रहे हैं दोस्तों कैसा हो गया ये, इसका हाल बहुत बुरा। किसी के अगर स्क्रीन पड़ जाए तो जला के रख देगी। हाँ वो तो है ही, चले बिल्कुल जला दे।